10 बज चुके हैं और संजीव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ये सर एक दो दिन अभी वो पूरे हो रहे हैं ना सर, वैसे समझे ना जैसे आप कह रहे थे कि हाँ दो चार दिन की दिक्कत हो रहा है, उसके बाद तो फिर स्थितियाँ ठीक होने लगेंगी। एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी, मैं ऐसी कुछ बात नहीं बोल रहा, बट इट आपको भी लगता है ना ये अपॉर्चुनिटी ही है। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आपको भी, प्रियंका को। तो डिम्पी जी, रोज मेरे बाल आ रहे हैं और जा रहे हैं, कभी उम्र बढ़ रही है घट रही है, बताइए क्या किया जाए। बट आई एम कॉन्स्टेंट इन माई बिलीव यस दैट इन इंडिया इट्स एन अपॉर्चुनिटी। आई हर्ड योर यस प्रीवियस स्पीकर ऑल्सो एंड आई थिंक ही हैज बीन प्रूवन करेक्ट। बट अब तो होता है जब आप एक बार करेक्ट हो जाए और मार्केट बैरिश हो जाए, देन अगेन यू बिकम रेपिटेटिव दैट नाउ यू कैनॉट। अब सबको $150 ऑयल दिखता है, मैं आपको कहता हूं ऑयल में $20 का फॉल कभी भी आ सकता है ऑन द बैक दैट ये रशिया यूक्रेन एक्सटेंशन गेट्स ओवर। सेकेंडली यू हैव प्राइस्ड इन एवरीथिंग ऑन द फेड साइड। आप कोई नहीं कह रहा कि इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट ऑन रीओपनिंग, कभी कहते हैं चाइना क्लोज डाउन लॉकडाउन अच्छा नहीं है, अच्छा खुलेगा तो मुश्किल। तो आप बताइए इस समय क्या किया जाए। कैश पे बैठेंगे तो आपको यील्ड्स पे उतना नफा है नहीं। तो अगर आपके पास पोजीशन है डिम्पी जी, बने रहिए। मैं आपको कहता हूं 15700 टूटना नहीं चाहिए। और अभी भी मैं सोचता हूं इंडिया इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर, चाहे वो आईटी आउटसोर्सिंग हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे क्रेडिट हो, चाहे रिलायंस। सो सम ऑफ पार्ट्स में यू कैनॉट बट बी बुलिश ऑन इंडिया। और इस कारण से दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, डोंट वेट फॉर यू नो द लास्ट, बिकॉज फिर वहां पे कोई भी खरीदने वाला नहीं रहेगा। So I think this is a very, very opportune time. I continue to be with my conviction that in the next few days we should start this uptrend globally by the 23rd. अब आप कहें तो मेरा सिस्टम स्लो है, लेकिन दो तीन आइडियाज जरूर शेयर करना चाहूंगा लेने के लिए। ऑलराइट, बिल्कुल संजीव जी, मॉर्निंग। एक्चुअली आपका ये जो व्यू है ना, ये फंडामेंटली लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए एक बार जरूर रिट्रेट कर देते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, उनके लिए तो बिल्कुल व्यू है। क्योंकि जैसा कि डोमेस्टिकल चेंजेस इंडियन इकोनॉमी पे हो रहे हैं, जाहिर तौर पर इंडिया इसका बेनिफिशरी रहेगा। लेकिन ऐसे में आज जो आइडियाज आपके होंगे, क्या थोड़े से सेफ साइड के आइडियाज देना बेहतर होगा? क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड हम ट्रेड्स देख रहे हैं, वहां बड़ा नुकसान हो जाता है। मनापुरम फाइनेंस कल आपकी पिक थी, वहां स्टॉप लॉस कटा होगा, आज तो 10% तक की गिरावट है। तो ये इस तरह के ट्रेड्स क्या अवॉइड करने की सलाह होगी? नहीं, मैं मनापुरम पे भी आपको टिप्पणी दे दूं, मेरे को जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट प्राइसिंग बहुत नेगेटिवली कर रहा है। सी, मनापुरम हैज वन बैड अकाउंट, बट इन अदर स्पेस उसकी जो ग्रोथ मोमेंटम है वो अभी भी कायम है। आई थिंक एट बिलो पार बुक यू आर गेटिंग अ स्टॉक विच इज यू नो आर्ग्यूएबली इन द टॉप फोर ऑफ गोल्ड लेंडिंग। गोल्ड लेंडिंग में सिर्फ तीन या चार बड़े नाम है, कोई बैंक नहीं होता। तो मैं रीट्रेड करता हूं, अगर आपके पास है बने रहिए। मार्केट की डिसहार्मनी में यू आर ऑलवेज निग्लेक्टिंग द फाइनर पॉइंट्स, और आई डोंट थिंक दैट मनापुरम, आई थिंक मनापुरम डिजर्व्स टू बी क्लोजर टू 130। सो माय कॉल इज ऑन द बेस दैट जो ये बिजनेस है इसमें डेलिंक्वेंसीज एक टाइम होती है, और इसमें एसेट भी एक है, और सोना बहुत स्टेडी है 50,000 पे, तो इसमें मुझे डेलिंक्वेंसी कोई और ज्यादा दिखती नहीं। आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हाँ, सेफ और अनसेफ में तो प्रियंका कोई चीज ऐसे है नहीं, जो भाव आपके साथ है ना, डीएलएफ के नंबर बिल्कुल बढ़िया आए हैं, और आप देख रहे हो रियल इस्टेट में ग्रोथ किस तरह से आ रही है, उनके जो कमर्शियल रही है। तो मुझे लगता है आज का पिरा पिक होएगा, 304 का स्टॉप लॉस है, 312-15 में मिले डीएलएफ लीजिए, 330 का टारगेट। दूसरा पिक होएगा भारत फोर्ज, मुझे लगता है भारत फोर्ज फोर्जिंग में नंबर बहुत अच्छा है, मार्जिन मेंटेन्ड है, और जैसे जैसे यूएस में वापसी होगी, नॉर्थ अमेरिकन ट्रक सेल्स विल पिक अप, 675 में लीजिए, 655 का स्टॉप लॉस, 705 का टारगेट। और तीसरा होएगा आईटीसी, ये मैं पहले भी ले चुका हूं, अगर अभी भी मैं रीट्रेड करता हूं, अगर आपको सेफ में ही रहना है तो आईटीसी 285 का टारगेट है, 263 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। तो ये दो स्टॉक्स, तीन स्टॉक्स दिए संजीव जी ने यहाँ, और बिल्कुल फंडामेंटली स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बुलिश है वो मनापुरम फाइनेंस काउंटर में। बहुत सारी पोजिशनल कॉल्स भी होती है संजीव वसीम की, ये व्यूवर्स को एक बार फिर से बता दे। तो आईटीसी, भारत फोर्ज और ये कुछ काउंटर्स हैं, डीएलएफ उन्हें पसंद आता है। बिल्कुल शुक्रिया संजीव जी अपना समय देने के लिए और ये सारी पिक्स हमसे शेयर करने के लिए। चलिए अब